स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में विज्ञान का 26वां भाग लेके आ रहे हैं। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको एक ऐप के बारे में बता दें जो केवल 4 MB का है और इसे आप डाउनलोड करके इतना सारा मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि करंट अफेयर, वन लाइनर GK, मॉक टेस्ट, फ्री PDF और GK ट्रिक। तो यहाँ पे इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। आप वहाँ से जाके बड़े ही आसानी से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मुख्य विधि वह कौन सी है जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है। मतलब कि ऐसी कौन सी विधि है, जिसके करने पर, जिसको अपनाने पर वातावरण में से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाती है। तो अगर आप उत्प्रेरकता को देखें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि पौधों का भोजन बनाना। भोजन बनाने से क्या होता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश के साथ उनको CO2 की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वातावरण में CO2 यहाँ से भी कम होती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। बेहद आसान क्वेश्चन, हालांकि आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है बदल बदल के। इसका भी सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यह वीडियो एक टेस्ट के रूप में लेना है, मतलब कि एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगभग आपको 2 सेकंड का समय देंगे, तो आपको इसी समय में अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है कमेंट बॉक्स में। अगला है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्यों? बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। देखिए, यही पेड़ जो कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, लेकिन रात में यही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। अगर आप इसके नीचे सोएंगे तो आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बड़ी होगी और आपको चाहिए ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। सोडा वाटर में ये आपको बताना है। देखिए, सोडा वाटर में आप देखेंगे कि एक प्रेशर होता है, उसे प्रेस करते ही पूरे वो गिलास भर जाती है या फिर बोतल भर जाता है, तो वहां पे प्रयोग में लाई जाती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन नहीं है, आपको न्यूट्रिनो बताना है। न्यूट्रॉन का पूछा जाएगा तो चैडविक होंगे, लेकिन न्यूट्रिनो के खोजकर्ता थे पाउली। अगला क्वेश्चन है कि मेसान के खोजकर्ता कौन है। अल्फा, मेसान, ये सब जो पार्टिकल खोजे गए, तो मेसान के खोजकर्ता कौन है ये आपको बताना है। ये थे युकावा। युकावा ने मेसान की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिकों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितना। आपने SPDF वाला फार्मूला पढ़ा होगा, तो आपको बताना है 2n² होता है। कह रहा है कि दूसरी कक्षा में यानी कि 2 × 2^2 यानी कि 2^3 यानी कि अधिकतम कितना हो सकता है, 8। दूसरी कक्षा में 8। तीसरे कक्षा में कितना हो सकता है कमेंट करके बताइए। आपको फार्मूला यही वाला यूज करना है, तो हो जाएगा 2 × 3^2 यानी कि 9 × 18। तो तीसरे में 18 हो सकता है अधिकतम, दूसरे में 8 हो सकता है। अगला है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 होता है। आपको बताना है कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए, आपका समय खत्म हो गया, आपको केवल 2 सेकंड मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो भी परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसके अलावा जब इस पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, मतलब ना तो सी के ऊपर प्लस है ना तो माइनस है, तो यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर हो जाएगा।
लेकिन अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले तो न्यूट्रॉन में से आपको परमाणु भार की में से परमाणु क्रमांक को घटाना होगा इस तरफ, तो ये आपका उत्तर आएगा। यानी कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। अगला है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको बताना है कि उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके परमाणु भार बनता है, और न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बिना आवेश वाले प्रोटॉन के बराबर होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देना है आपको, 2 2 4, तो और 2 इलेक्ट्रॉन भी है। यानी कि पूछा गया था आपसे क्या, द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार उसको हम बोलते हैं, और परमाणु भार बोलते हैं, यानी कि आपका सही उत्तर होगा 4। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, मतलब कि रेडियो एक्टिव डेटिंग से हम क्या चीज का पता करते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की बात की गई है, तो इससे हम जीवाश्म की आयु पता करते हैं। जैसे कोई भी कई सौ साल पहले का जीवाश्म मिला है तो वहां पे हम कार्बन डेटिंग के तहत ये जान पाएंगे कि वो लगभग कितने साल पुराना है। अगला है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। यहाँ पे 3 कीड़े आपको देखने को मिलेगा, अल्फा, बीटा और गामा, लेकिन अगर सबसे अधिक भेदन क्षमता की बात करें तो ये होती है गामा कीड़े। तो आगे बढ़ें, लेकिन आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और इसका PDF भी डाउनलोड करें। आप उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ सब कुछ पा सकते हैं एक क्लिक में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आपको केवल 2 सेकंड में आपका उत्तर बताना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको टाइटेरियम, लेकिन इसमें इट्रियम नहीं होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि संभारिक में किसकी संख्या समान होती है, तुरंत बताइए। देखिए, संभारिक मतलब क्या है, संभारिक मतलब कि समान भार, समान भार मतलब कि द्रव्यमान संख्या बराबर हो, और द्रव्यमान संख्या कब बराबर होगी, जब न्यूक्लियर की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। अगला है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है, इनमें से कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं खाना बनाने में। तो इसमें से हम कर सकते हैं मेथेन का, और इसके अलावा भी कई गैसों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो मिश्रित रूप से आती है तभी हम उनका प्रयोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1919 तक हुआ, लगभग 5 साल, तो इसमें एक रासायनिक आयुध के रूप में किसको प्रयोग किया गया था, ये पूछा गया है। ये था मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस को। अगला है कि जल में विलेय है, इनमें से कौन है जो कि जल में विलेय है, मतलब कि जल में पूरा घुल जाएगा, तो ये है इथाइन एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल जल में विलेय है। अगला क्वेश्चन है कि शराब में उपस्थित रहता है इनमें से क्या, एल्कोहल होता है शराब में, यानी कि एथाइल एल्कोहल होता है शराब में, एथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा, उसका किसी गैस का दाब तिगुना कर देना है। तो देखिए, जब दाब तिगुना होता है तो उसका आयतन पूछा गया है, ये हो जाता है उसका 1/3 यानी कि तिहाई। अगला है कि एक गैस का वाष्प घनत्व तो 14 है, आपको बताना है कि उसका अणु भार कितना होगा। तो गैस है और इसका वाष्प घनत्व 14 है, यानी कि उसका अणु भार कितना होगा, 14 × 28। आगे बढ़े तो अगला है कि किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो अभी आपने देखा कितना होता है, तो 2 गुना होता है, क्योंकि जो दिया गया था वाष्प घनत्व 14, उसका अणु भार कितना हो गया था, 28। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि गैसों के मिश्रण हेतु आवश्यक शर्त यह है
कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, अब आपको इसके आगे फील करना है इनमें से कौन सही होगा। तो देखिए, गैसों का मिश्रण के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उनके बीच में कोई भी रासायनिक क्रिया संभव ना हो। अगर कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होगी तभी गैसों का मिश्रण कंप्लीट हो सकता है। अगला है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो ऐसा बस एक ही है इनमें से, और यह है फ्लोरीन। फ्लोरीन ऐसा है जिसमें कि इसके सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण की अवस्था समान होती है। नहीं तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको F पे 2+ होता है, मतलब आयरन पे, और कहीं कहीं 3+ भी दिखता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि गैसों के मिश्रण का नियम किसने दिया था? बेहद आसान क्वेश्चन है, ये दिया गया था ग्राहम के द्वारा। ग्राहम ने गैसों का मिश्रण नियम दिया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होता है? तो देखिए, उसमें जो सक्रिय ऊर्जा होता है उसको बदल देता है, मतलब उत्प्रेरक होता है। क्यों? जैसे कि कोई क्रिया धीरे हो रही है, हमने उत्प्रेरक लगा दिया तो उस क्रिया को तेज कर देगा, ठीक, या फिर उस क्रिया को स्लो कर देगा, या फिर उसमें कुछ नया कर देगा, लेकिन खुद उस क्रिया में भाग नहीं लेगा, उसको हम बोलते हैं क्या? उत्प्रेरक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।